बातें। उद्योगता की समस्याओं के निपटारे के लिए कार्यक्रम सरकारी खर्चे पर शुरू किया गया था। एक जनमंच कार्यक्रम पर तकरीबन जो 5 लाख के करीब खर्चा आता है, जो जनता उसमें आती है उनको खाने का प्रबंध भी सरकार और जिलाधीश के माध्यम से किया जाता है। अब जो समस्याएं लेकर जनता उनके पास आती है वो खाना खाने नहीं आते, जनमंच में की खाना खाने आते, वो अपनी समस्याओं का निपटारा चाहते हैं। तो जनमंच के माध्यम से जो भी समस्याओं का उठाई जाती है उसमें मंत्री द्वारा उस जिले के अधिकारियों द्वारा आश्वासन तो दे दिया जाता है लेकिन उनका निपटारा नहीं किया जाता। जनमंच खत्म हुआ, अगले एक महीने में वो बेचारे इंतजार करते रहते कि हमारे समस्या का निपटारा होगा, महीने के बाद कोई उनकी समस्याओं का निपटारा नहीं होता। तो जनमंच के माध्यम से जो समस्याएं उठाई जाती है उसका उसके प्रति भी ये सरकार गंभीर। भ्रष्टाचार, पोल्टा साहिब की नगर परिषद में भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार स्वीकार भी कर लिया, जो लोग थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अभी तक ना तो कोई FIR दर्ज की गई है ना विजिलेंस की इंक्वायरी की गई है। इसका मतलब है कि जयराम सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कृतिक संकल्प नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा जयराम सरकार में इस पोंटा नगर परिषद में मिल रहा है। हमारा ये मानना है कि पोंटा में जो भ्रष्टाचार का मामला है, ऐसा मामला हिमाचल प्रदेश में पहले कभी नहीं आया। इसकी तह तक जयराम सरकार को जाना चाहिए था। जयराम सरकार जहां भी भ्रष्टाचार के मामले होते हैं वहां टाकटोल करती है और भ्रष्टाचार से के मामलों में जहां केस रजिस्टर होना चाहिए, FIR रजिस्टर होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, वो किसी भी स्तर पर अभी तक जयराम सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों की कोई भी इंक्वायरी का ऑर्डर नहीं दिया। धन्यवाद। मैं मानता हूँ कि पोंटा काम में जो भी घटना घटी है उसकी इंक्वायरी अब तक खत्म होकर सब कुछ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी जो सरकार ये कह रही है कि 2 साल में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इनके मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, पोंटा साहिब में इनके नगर चुने हुए प्रतिनिधियों पर आरोप लगे, इनके मंत्रियों के खिलाफ फेसबुक पे पोस्ट डाल दी जाती है। तो कोई ना कोई कारण तो है। इनकी सबकी जानकारी जनता की अदालत में आनी चाहिए।